लाइंस प्लेन्स समझने की ट्राई करें. व्हेन वी से 3D लाइंस एंड 3D प्लेन्स, दोनों कंपैरेटिव कंसेप्ट है. एक साथ पढ़ोगे तो बेटर है. जब हम बोलते हैं 3D लाइन, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. इसे आप चाहो तो लाइन बोलो, चाहो तो वेक्टर कंसिडर करो. एंड व्हेन वी से 3D प्लेन, यू कैन अज्यूम दैट इट्स अ पैरेललोग्राम. इट लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम. पर याद रखना, जब मैं प्लेन बोलता हूं तो प्लेन में ट्राइंगल भी चलेगा, पैरेललोग्राम भी चलेगा, सर्कल भी चलेगा, कुछ भी चलेगा. इनफैक्ट लेटर ऑन आई विल शो यू के मेजॉरिटी केसेस में हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हैं. मेजॉरिटी मतलब हार्डली यू कैन से 60% केसेस में हम लोग ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं और 40% में पैरेललोग्राम. अच्छा, एक 3D लाइन, अगर मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए? 3D लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो मुझे एक पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए, मतलब ये पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए. X1, Y1, Z1 कोऑर्डिनेट्स. और 3D लाइन डिराइव करने के लिए मुझे एक पैरेलल वेक्टर चाहिए. यस, कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर. वर्ड याद आया? 3D ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि DRS से जो वेक्टर बनता है वो भी पैरेलल वेक्टर है, DCS से जो वेक्टर बनता है वो भी पैरेलल वेक्टर है, एज वेल एज यूनिट वेक्टर है. यानी इस केस में अपने को DRS वेक्टर भी चलेगा, DCS वेक्टर भी चलेगा. तो अभी के लिए इसको ऐसा बोल सकते हैं, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप. नाउ जब हम लाइन की इक्वेशन डिराइव करते हैं या लिखते हैं, अभी डिराइव नहीं करेंगे, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे. हमें लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा. वी कैन से R, whose coordinates are x, y, z. तो R is x, y, z, A is x1, y1, z1. अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि AR भी एक वेक्टर है, तो डोंट यू थिंक मैं बोलूंगा कि AR12 is parallel to AI cap plus BJ cap plus CK cap. बराबर है? डायग्राम से भी क्लियर दिखता है कि तुम्हारी जो लाइन है वो इस DRS वेक्टर से कैसी है? पैरेलल. अच्छा, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंसेप्ट बीच में आ जाता है कि दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. मतलब AR बार इज इक्वल टू लैम्डा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप. जबकि AR बार लिखा जाएगा R बार माइनस A बार, तो इज इक्वल टू लैम्डा AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप. तो फाइनली वी से व्हाट इज एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन. R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा पैरेलल वेक्टर. आई विल बेटर से लैम्डा के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? पैरेलल वेक्टर. और ये A बार कौन है? पासिंग थ्रू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर.
तो ये पासिंग थ्रू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये तुम्हारा लाइन का क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, इसी में लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या कहलाती है? तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और ये जो तीनों रेशियो दिख रहे हैं ना, यही तीनों रेशियो लैम्डा होते हैं। कौन सा लैम्डा? जो ये आपने ऊपर वेक्टर इक्वेशन में लिया था आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और एक बता दूं कि ये लैम्डा क्या होता है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ये लैम्डा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर। ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। ऑल इन ऑल ये 3D लाइंस का बेसिक है। नाउ व्हाट इज 3D प्लेन का बेसिक, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? वेरी सिमिलर। एक तो मुझे एक पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए ए, सेम वे एक्स वन वाई वन जेड वन। अब ऑन द कॉन्ट्ररी प्लेन में मुझे एक परपेंडिक्यूलर वेक्टर चाहिए। दोनों का कंपैरेटिव नेचर समझ रहे हो? 3D लाइन को एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, 3D प्लेन को एक परपेंडिक्यूलर वेक्टर चाहिए। पासिंग थ्रू पॉइंट तो दोनों को चाहिए। परपेंडिक्यूलर, इस वर्ड को मैथ्स में नॉर्मल भी बोलते हैं, इसीलिए इस परपेंडिकुलर वेक्टर का नाम रखा जाता है n बार। यू कैन से n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। ये मेरे प्लेन की रिक्वायरमेंट्स है। और फर्दर वो क्या करेगा? वेरी सिमिलर, प्लेन पर भी एक वेरिएबल पॉइंट लेगा r, x, y, z। अब क्या हुआ, अगर मैंने ये वेक्टर बनाया ar बार, तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि ar बार मेरे प्लेन के अंदर है, n बार मेरे प्लेन से परपेंडिकुलर है। मतलब ar बार इस पर पेंडिक्यूलर टू एन बार, मतलब ए आर बार डॉट एन बार मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार must be equal to zero. Finally, I can say r bar dot n bar is a bar dot n bar. ये होती है अपने लाइन की वेक्टर इक्वेशन, सॉरी प्लेन की। तो मेरे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या है? r bar dot n bar is a bar dot n bar. आर बार डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू पासिंग थ्रू वेक्टर डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसी होती है? तो कार्टेशियन इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। एन वन मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर का आई कोएफिशिएंट इनटू एक्स प्लस
n2 into y plus n3 into z, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर का i कोएफिशिएंट into x प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर का j कोएफिशिएंट into y प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर का k कोएफिशिएंट into z इज इक्वल टू, वापस परपेंडिकुलर वेक्टर का i कोएफिशिएंट into पासिंग थ्रू पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस परपेंडिकुलर का j कोएफिशिएंट इनटू पासिंग थ्रू का सॉरी y1 प्लस n3 z1. तो इस तरह से आपका कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म हो जाता है. फाइनली किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसी दिखाई देती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, जिसमें ये ए बी और सी क्या होते हैं? दे आर डी आर एस ऑफ नॉर्मल वेक्टर. जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर था ना, उसके डी आर एस होते हैं. डी इज नथिंग बट दिस कैलकुलेशन, या फिर यू से यू कैन से डी इज ए बार डॉट एन बार. तो ये दो सिस्टम, यू कैन से लाइंस एंड प्लेन्स, काफी कंपैरेटिव सिस्टम फॉलो करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं अभी, याद पहले तो तुम्हें ये रखना है कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन डिराइव करनी है तो क्या चाहिए? एक पासिंग थ्रू पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर. प्लेन की इक्वेशन डिराइव करनी है तो मुझे क्या चाहिए? एक पासिंग थ्रू पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर. नाउ क्वेश्चन में कई बार ऐसा सीन आएगा कि तुम्हें क्वेश्चन में दो परपेंडिकुलर वेक्टर दिए रहेंगे, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी गिवन. लेकिन मालूम पड़ा कि क्वेश्चन 3D लाइन का है, तो ये जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए हैं, लेट अस से वो B बार एंड C बार है. तो पैरेलल वेक्टर हासिल करने के लिए क्या करना? बार बार याद दिला रहा हूं, एक 3D लाइन के लिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है. तो हाउ विल यू फाइंड दिस पैरेलल वेक्टर? दिस पैरेलल वेक्टर इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट of those two perpendicular vectors. Same way, ऐसा भी हो सकता है कि दो parallel vector दिए हो. क्या दिया हो? दो parallel vector दिए हो. तो you can say b bar and c bar. Very similar. अब ये सीन कौन से टाइप के क्वेश्चनों में दिया हो सकता है? प्लेन्स के क्वेश्चन में. और यहां मुझे चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर. तो अगर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, अगेन इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना. इन सिंपल वे, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर होता है, और दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मेरा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर होता है. समझा? इन केस ऑफ प्लेन्स ऐसा कई बार होगा कि वो तुम्हें पासिंग थ्रू तीन पॉइंट्स देगा. पासिंग थ्रू तीन पॉइंट्स, दैट इज x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. और तुम्हें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. आई गिव यू अ वेरी सिंपल मेथड. एक डिटर्मिनेंट लिखना, और वो डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल टू जीरो होता है. एज सिंपल एज दैट. वो डिटर्मिनेंट में क्या? x माइनस x1, y माइनस y1,
z माइनस z1, x y z में कोई वैल्यू नहीं डालना, वो वेरिएबल पॉइंट्स है, यानी x y z वो r है r। अब सेकेंड रो में क्या करना, ये माइनस एक्स वन माइनस वाई वन माइनस जेड वन ऐसे ही रखना और एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देना एक्स टू से, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एंड लास्ट वाले में एक्स थ्री से, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। इस डिटरमिनेंट का जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारे प्लेन की इक्वेशन होगी। सो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सपोज प्लेन्स के केस में उसने तुम्हें पासिंग थ्रू दिया है एक्स वन वाई वन जेड वन और दो पैरेलल वेक्टर दिए हैं बी बार और सी बार। बी बार और सी बार क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। वापस एक डिटरमिनेंट लिखो, इक्वल टू जीरो बोलो, यही तुम्हारे प्लेन का इक्वेशन दे देगा। एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, फिर बी बार के कोएफिशिएंट्स बी वन बी टू बी थ्री, सी बार के कोएफिशिएंट सी वन सी टू सी थ्री। ये डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा फिर वो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। गेटिंग? चलो इस वीडियो के लिए इतना काफी है।